नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स और ए से रिलेटेड उसने एक इक्वेशन दिया हुआ है दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई प्लस 2a। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मुझे ए इनवर्स खटक रहा है, वो पूछ क्या रहा है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नाउ ए आपको गिवन है, नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि गिवन नहीं है सो दैट मीन्स आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए दैट लैम्डा वन लैम्डा टू का जो प्रोडक्ट है वो आपको निकालना है। ठीक है, नाउ ए मैट्रिक्स गिवन नहीं है, आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, बट ए से रिलेटेड एक इक्वेशन गिवन है दैट मीन्स केले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ए इनवर्स को ख़त्म करें क्योंकि ये डिस्टर्बिंग सा एलिमेंट मेरे को लग रहा है। सो इस ए इनवर्स को कैसे ख़त्म करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करके। सो ये ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा आपका आई, फिर ये ए आई हो जाएगा आपका ए प्लस 2a स्क्वायर। सो दैट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस a माइनस आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ अगर a कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ये सोचें कि 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तभी तो ये अगला स्टेप आया होगा बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। सो बाय रिवर्स ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स अब ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो जो प्रोडक्ट होता है इसके दो रूट्स होंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, और प्रोडक्ट होता है आपका सी बाई ए, दैट मीन्स दिस इस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके अगर आप दो रूट्स मानते हैं अल्फा और बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है सी बाई ए, एंड अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस ए। सो यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी आप लैम्डा वन लैम्डा टू को क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू। ठीक है, सो माइनस वन बाई टू एंड दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो माइनस हाफ। ठीक है, सो ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो मैंने आपको बोला था दैट द बेस्ट क्वेश्चंस आर मेड ऑन केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो आपको बस पता होना चाहिए कि केले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पकड़ना आना चाहिए बस, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल ही होता है।